क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 62. सॉल्यूशन, is equal to 6 factorial upon 6 minus 2 factorial is equal to 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial. 4 factorial is 4 factorial, 6 into 5 into 3. So we know that NPR is equal to N factorial upon N minus R factorial. N is equal to 6 and PR is equal to 2. So N is equal to 6, R is equal to 2. So 6P2 means जो है इसको टू वेज में कर सकते हैं, या तो 2 factorial 6 into 5 करके हम जो है कर सकते हैं, दो गुणनखंडों तक है, टू फैक्टर्स तक इसको हम कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 6P2 को हम 6 इंटू 1 लेस करते हुए करते जाते, जितने फैक्टर लेने, 2 फैक्टर लेने, 6 इंटू 5 30, आंसर वैसे भी हमारा जो है, और इसको हम जो है 62 और 6P2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 1, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30. दोनों तरीके से हम जो है आंसर हमारा इससे भी वही आएगा और आंसर इससे भी हमारा वही आएगा, चाहे हम इस तरह से करें या हम इस तरह से करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट NPN इज इक्वल टू NPN माइनस 1. प्रूव दैट NPN is equal to NPN minus 1. NPN is equal to NPN minus 1. Page number 240. Solution. Given NPN is equal to ये दिया गया है हमें, तो NPN को इसके इक्वल कर, तो LHS और RHS को हमने चूंकि प्रूव करना यदि इक्वल है तो हमने LHS और RHS दोनों को ही ले सकते हैं. LHS कंसीडर LHS, NPN इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N factorial upon 1 is equal to N factorial. NPN N factorial consider RHS. RHS NP N माइनस 1, क्योंकि NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल. तो यहां हमने इसको भी NPN को N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 1
n factorial. n factorial upon 1 factorial n factorial 0 factorial is equal to 1 or वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन. तो यहाँ आर एस एस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेकेंड NPN is equal to यही इसमें प्रूव करना था जो इसको हमने लिखा NPN उसकी वैल्यू निकाली. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर फोर देखें. प्रूव दैट फर्स्ट पार 15P7 प्रूव दैट 15P7 इज डिविजिबल बाय Johnson fifteen P five is divisible सॉल्यूशन में 15P7 इज इक्वल टू 15P7 इज इक्वल टू 15 factorial upon 15 minus 7 factorial 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial और upon में 8 फैक्टोरियल. तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ और ये हो गया
15P7 is equal to 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9. 15P5 is equal to 15P5 को हमने लिखा है 15P5 को 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि NPR is equal to N factorial upon N minus R factorial. इसके प्रयोग से यहाँ 15 factorial को हमने यहाँ 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10 factorial तक छोड़ दिया, क्योंकि नीचे भी 10 factorial बन रहा है. 10 factorial is 10 factorial. लेस हो गया तो यहाँ 15P5 is equal to 15 into 14 into 13 into 12 into 11. अब 15P7, अब इसको हम देखते हैं 15P7. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड. 15P7 अपॉन 15P5 is equal to 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9 upon 15P7 की वैल्यू जो है 15 into 14 into 13 into 12 into 11. 15 से 15, 14 से 14, 13 से 13, 12 से 12, 11 से 11. 15P7 15P7 upon 15P5 is equal to 90, or 15P7 is equal to 90 into 15P5. So we can say 15P7 is divisible by, so we can say 15P7 is divisible by 15P5. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि इसका फोर्थ पार्ट जो है सिक्स है, सिक्स का फोर्थ पार्ट जो चूंकि यहाँ दिया गया है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके सिक्स का थर्ड पार्ट लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. Find the value of R if क्या दिए गए, if 5 into 4PR, if 5 into 4PR
is equal to 6 into 5 PR minus 1. Solution. Given 5 into 4 PR is equal to 6 into 5 PR minus 1. R minus 1. R minus 1. We know that NPR, N factorial upon N minus R factorial, 5 into 4PR, यहाँ 5 into 4PR, तो 5 into 4PR को यहाँ हम 4 factorial फोर माइनस आर फैक्टोरियल और इसको हम इज इक्वल टू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल. और इसको हम दिस कैन बी रिटन एज 5 into 4 factorial upon 4 minus r factorial इज इक्वल टू 6 into 5 into 4 factorial अपॉन में यहाँ 6 minus r factorial को इसको हम 6 into 5 into 4 factorial upon 6 minus r factorial 6 minus r ए उस पे हम जो है और 6 minus r 5 minus r 4 minus r factorial तक इसको हम एक एक कम करते हुए फैक्टोरियल को बढ़ाते गए. तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इनटू में जो 5 था 5 से 5 कैंसिल हो गया. अब यहां से 6 और यहां से क्या बचा आपका, ये बचा 6 इज इक्वल टू जो है यहां 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6. इसको सॉल्व कर देते हैं और इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस जो है 5R माइनस 6R 11R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 6. और इसको भी इसी तरफ लाए R स्क्वायर माइनस 11R प्लस 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. R स्क्वायर माइनस 11R प्लस 24 इज इक्वल टू 0. और इसके फैक्टर करते हैं, माइनस 11R को फैक्टराइज करते हैं, टू फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो माइनस 8R और माइनस 3R मल्टीप्लाई करने पर 24R स्क्वायर. तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का 3R माइनस का 8R प्लस 24 इज इक्वल टू 0. और इन दोनों के बीच में से R कॉमन लिया R माइनस 3, माइनस का 8 कॉमन लिया आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. आर माइनस 3 कॉमन फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर हुआ आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इफ आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 3. इफ आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इफ आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 8. तो आर इज इक्वल टू 8 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वैल्यू ऑफ आर विल बी, चूंकि आर इज ग्रेटर देन जो है
n इज लेसर देन r, क्योंकि इसके लिए सेटिस्फाइंग वैल्यू जो होगी उसकी r, आंसर वैल्यू ऑफ r विल बी जो है 8, 3 वैल्यू ऑफ r विल बी 3 बिकॉज दिस वैल्यू सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन. हियर r इज, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से r की वैल्यू तो 2 आई, लेकिन इनमें दो वैल्यू में r का मान 8 रखने पे जो कि n के मान से अधिक हो जाएगा, 4 से 8 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाला मान बड़ा होता है. तो ये n p r में जो है n इज ग्रेटर देन जो है r, सो वी कैन से वैल्यू ऑफ r विल बी, वैल्यू ऑफ r विल बी 3. यही आंसर हो गया, क्योंकि इट इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन. अभी इनको आप करिएगा नेक्स्ट में, फिर इसके बाद हम यहाँ आपको कराएंगे.